हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रनीश मलहन है और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ। बेसिकली आपको यहाँ पे एक मॉडल नज़र आ रही होगी, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इस मॉडल के अराउंड बेसिकली इसकी एक आउटलाइन बना के वहाँ पे टेक्स्ट को लिखने वाले हैं इसी की शेप में। तो ये बहुत ही ईजी टास्क है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टास्क है। चलिए देखते हैं कि ये किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आए और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी मेरा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल सिलेक्टेड है। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल एक AI बेस्ड टूल है और ये अपनी AI पावर के थ्रू यहाँ पे डिटेक्ट कर लेता है कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं एक इमेज में। अगर बाई चांस आप देख सकते हैं कि अगर आप ऑब्जेक्ट के ऊपर लेकर जाएं इसके कर्सर को और वो हाईलाइट ना हो, मतलब कि उसको डिटेक्ट ना करा हो इसने, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग करना है। और क्लिक एंड ड्रैग करने के बाद जैसे ही आप उसको कवर कर लेंगे अपने ऑब्जेक्ट को, तो आपको माउस को छोड़ देना है और ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि आप कौन से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसने थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पे डीसिलेक्टेड रखा है, क्योंकि जो यहाँ पे आम आ रही है इसने बेसिकली उसकी सिलेक्शन बनाने की कोशिश करी है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें इसी को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें सिर्फ आउटलाइन चाहिए। तो यहाँ पे हमें लेसो टूल को सिलेक्ट करना है, आप किसी भी टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं और लेसो टूल में ऐड टू सिलेक्शन मोड को आपको सिलेक्ट करना है। और उसके बाद यहाँ पे एक इसके अराउंड एक सिलेक्शन बनाइए। ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं कि ये पोर्शन जो सा है वो ऐड हो जाएगा हमारी सिलेक्शन में। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट मेन्यू में जाना है और सिलेक्ट मेन्यू में आपको मिलेगा मॉडिफाई। बेसिकली मॉडिफाई मेन्यू जो सा है वो क्या करता है, हमारी सिलेक्शंस को मॉडिफाई करता है हमारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको 5 ऑप्शंस यहाँ पे मिले हुए हैं और जो मैं यूज करने वाला हूँ वो एक्सपैंड है, क्योंकि मैं इस जो सिलेक्शन है हमारी उसको एक्सपैंड करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे एक्सपैंड पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे एक वैल्यू डालूंगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 100 डाली है, तो मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी जो सिलेक्शन है वो एक्सपेंड हो चुकी है। तो नेक्स्ट टास्क क्या है, हमें इसको एक पाथ बनाना है। तो पाथ बनाने के लिए आपको कोई भी यहाँ पे सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि मैं जो एक्शन करने वाला हूँ उसके ऑप्शंस हमें तभी मिलेंगे जब हमारा सिलेक्शन टूल सिलेक्टेड होगा। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और राइट क्लिक करके जो आपको मेन्यू दिख रहा है ये तभी दिखेगा जब आपका कोई ना कोई सिलेक्शन टूल सिलेक्टेड होगा, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें एक ऑप्शन मिल रहा है मेक वर्क पाथ, राइट। हम इसका यूज करेंगे। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ पे टॉलरेंस 2 आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको ओके कर दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पाथ आ गया है। अब सिर्फ एक सिंपल टास्क है आपके लिए, आपको यहाँ पे जाना है, टाइप टूल को सिलेक्ट करना है सो दैट कि आप लिख सके। हॉरिजॉन्टल टाइप टूल को ही आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे उसके बाद आप जाएं, जैसे ही पाथ पे जाएंगे आपका कर्सर बदल जाएगा और वहां पे आप क्लिक करेंगे तो डमी टेक्स्ट वहां पे आ जाएगा, राइट। आप इस टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो हाउ आर यू, राइट। तो बेसिकली आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो इसी को कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद कंट्रोल वी करके आगे पेस्ट कर देते हैं। और पेस्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी हम सेटिंग्स कर लेते हैं इसकी टेक्स्ट की, तो डेट की ये टेक्स्ट प्रॉपरली नजर आए और यहाँ पे प्रॉपरली हमें दिखे। तो आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट हमें यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से दिख रहा है। थोड़ी सी सेटिंग्स आप और करेंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर दिखेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आया होगा और यूजफुल रहा होगा। अपने जो भी विचार हैं वो हमें कमेंट करके बताइए, आपके विचारों का हमें इंतज़ार रहेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और ऐसी ही और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। आपको सपोर्ट करने के लिए सिर्फ हमें सब्सक्राइब करना है और हमारी वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। शुक्रिया।